This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। कोरोना वायरस के मामलात में गैर मामूली इजाफे के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासत से आवाम की फलाह बहबूद की मफाद में जंजीर तोड़ने के लिए लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर करने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को अपने इकदामात और प्रोटोकॉल पर नज़रसानी करने की भी हिदायत की, जिसमें ऑक्सीजन की दस्तियाबी, वैक्सीन की दस्तियाबी, कीमतों की तायीन और सस्ती कीमतों पर ज़रूरी दवाओं की दस्तियाबी शामिल है। दो हफ्ते कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से लॉकडाउन को आखिरी अख्तियार के तौर पर गौर करने पर जोर दिया। अब उनके सियासी इत्तेहादियों से लेकर आला कारोबारी रहनुमाओं और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन के चीफ मेडिकल एडवाइज़र तक हर शख्स उन्हें दुनिया का बदतरीन वायरस कोरोना फैलने से बचने का वाहिद रास्ता लॉकडाउन समझता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मंगल के रोज़ कहा कि मदाफाती क़ुव्वत से बचने का तरीक़ा तैयार करने के बावजूद वायरस का फैलाव जारी रहा तो हिंदुस्तान कोरोना वायरस वबाई की तीसरी लहर देख सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से जब पूछा गया कि हिंदुस्तान में कोविड एमरजेंसी के पेश नज़र क्या नेशनल वाइड शटडाउन वाहिद ऑप्शन है जिसने हॉस्पिटल को मगलूब कर दिया और ऑक्सीजन जैसे वसाइल को बहरान पैदा कर दिया, तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा वायरस की मुंतकली को कम करने के लिए काफ़ी मिद्दत के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। IPL क्रिकेट के शौकीन के लिए बुरी खबर। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने यह ऐलान किया कि कोरोना वाकयात में तेज़ी से इजाफे और खिलाड़ियों और कोच के कोरोना से मुतासिर होने के पेश नज़र IPL सीज़न 14 को गैर मुहैयाना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस सीज़न के 30 से ज़्यादा मैचेस बाकी है। ग्लोबल क्रिकेट कैलेंडर और कोविड के सूरत हाल को देखते हुए मैचेस को दोबारा रीशेड्यूल करने के इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने प्राइवेट हॉस्पिटल को सिर्फ अद्दाल पसंद और शदीद अलामत के मरीजों को दाखिल करने की हिदायत दी। जहां 94% से ज़्यादा के कमरे की हवा में ऑटो संतराप्ति होने वाले हल्के और गैर मुतलकी मामलात को होम आइसोलेटेड किया जा सकता है और हिदायत की कि मरीजों से कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं तलब की जानी चाहिए। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 बब्बर शेरों में कोरोना से मुतासिर होने की अलामतों का पता चला है। कोरोना के अलामतों पर उनके नमूने हासिल करके मायनों के लिए उन्हें CCMB रवाना किया गया है। इम्कान है कि आज इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मालूम हुआ है कि जू के सफारी पार्क में मौजूद शेरों के गोश्त ना खाने और नाक बहने की शिकायत पर जानवरों के डॉक्टर्स ने इनका नमूना हासिल करके मायनों के लिए रवाना किया। 8 बब्बर शेरों को आइसोलेटेड कर दिया गया है और मुनासिब देखभाल और ज़रूरी इलाज मुहैया किया गया है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS के रिहायशी गाह के करीब CPL ग्राउंड अंबरपेट में 2 रैट स्नेक को देखा गया। मलकपेट पुलिस स्टेशन ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल वेंकटेश नायक ने इन दोनों सांपों को पकड़कर चिड़ियाघर के ऑफिसर के हवाले कर दिया। शहर में COVID-19 पर काबू पाने वाले इकदाम के तहत बुखार और दीगर कोविड अलामात में मुब्तला अफराद की शिनाख्त के लिए ANMS और ASHA वर्कर्स के 641 टीमों ने आज एक ही दिन में हैदराबाद के 40,000 घरों को कवर किया। BJP को तेलंगाना में म्यूनसिपल इंतखाबात, MLC इंतखाबात और नागार्जुना जमनी इंतखाबात में बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो मोमेंटम दुबक्का GHMC इलेक्शन में अच्छे परफॉर्मेंस देकर हासिल किया था। ज़ाफ़रान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन 4 गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम।